मेरी गाड़ी है अभी न्यू गाड़ी है, केवल 5 महीने हुए मुझे लिए हुए। और ये देखिए गली के कुत्तों ने, गली में खड़ी रहती है ना, तो ये हाल कर दिया यार, पूरी की पूरी अंदर तक की फोम भी फाड़ दिया यार। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 7:30 बजे हैं और गाइस पिछले कई दिनों से मैं परेशान चल रहा हूँ अपनी गली के आवारा कुत्तों की वजह से। ये देखिए न्यू गाड़ी है मेरी, और नई गाड़ी की सीट की इन लोगों ने क्या हालत कर दी है, पूरी की पूरी सीट फाड़ के फटक दी है यार। तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है इन कुत्तों ने, अब नई सीट पर नया कवर चढ़वाना पड़ेगा, वरना सीट तो बेकार कर ही दी है। और इन कुत्तों का क्या इंतजाम करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल ना धो के रेडी होकर चल रहे हैं अपने काम पे। तो गाइस आज का दिन और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। आज चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो गाइस समझ में नहीं आ रहा कितने ग्रहण पड़ेंगे इस साल में। अभी 10-15 दिन पहले ही दिवाली के बाद ही पड़ा था सूर्य ग्रहण, अब आ गया चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, भाई ग्रहण वाले दिन मंदिर रहते हैं सारे बंद, और ऊपर से मंगलवार भी है, मंगलवार को काम वैसे ही हल्का रहता है, ऊपर से चंद्र ग्रहण है, कोई पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। हालांकि मैं घर से ही लेट निकल के आया हूँ, अभी 7:30 बज चुके हैं। मथुरा जंक्शन पर पूरी की पूरी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, क्योंकि सुबह से ही माहौल दिख रहा है आज काम नहीं है, मंदिर बंद है ना इसलिए। और मथुरा वृंदावन में भाई केवल मंदिरों का ही काम है, उसी से सारा रोजगार चलता है सबका, और मंदिर बंद है तो सब कुछ बंद है। फिलहाल आ चुके हैं अपने काम करने वाली जगह पे, तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। ये देखिए गाइस ये मेरी गाड़ी है अभी न्यू गाड़ी है, केवल 5 महीने हुए मुझे लिए हुए। और ये देखिए गली के कुत्तों ने, गली में खड़ी रहती है ना, तो ये हाल कर दिया यार, पूरी की पूरी अंदर तक की फोम भी फाड़ दिया यार। अब आज मेरे को जो शीट बनाने वाले हैं उनके पास जाना पड़ेगा, इस पर कवर चढ़वा के लाऊंगा, वरना बहुत भद्दी लग रही है गाड़ी इसको। अब यार समझ में नहीं आ रहा इन कुत्तों को रोकूं तो रोकूं कैसे, सोने के बाद रात में आते हैं और काम करके चला जाता है। फिलहाल भाई एक दो सवारियां निकल रही हैं, इनको देख लेते हैं, ये हमारे पंडित जी हैं और बाकी मित्र हैं। भैया वीडियो बना रहे हैं। अब लड़ो लड़ो, वो वीडियो फिर पुलिस को दिखा देंगे, जाओ लड़ो। गाइस आज घर से निकलते ही पता चल गया था भाई चंद्र ग्रहण है, और काम बहुत ज़्यादा स्लो रहेगा क्योंकि मथुरा वृंदावन में मंदिरों का ही काम रहता है। पहली पहली सवारी लेके आए थे, अब छोड़ दिए, अपना दिन भी स्टार्ट हो गई है, वैसे ज़्यादा कुछ उम्मीद है नहीं आज के दिन से, बाकी पता चलेगा क्या होगा। मेरी गाड़ी में 2 बहन भाई बैठे हुए थे छोटे छोटे, इतना ज़्यादा झगड़ा करते थे, अपना बचपन याद दिला दिया इन्होंने, बड़ी मुश्किलों से रोका खाया भाई, अभी अभी छोड़ा है, भरतपुर गेट के लिए लाए थे। अपने दिन की शुरुआत हो गई है, पहली सवारी थोड़ी लेट मिली है तो क्या, पर यार जब कुछ ना हो तो जो कुछ मिल जाए वो अच्छा होता है, उसी को कंटिन्यू करते हुए। वृंदावन का काम मिलने की तो आज उम्मीद है नहीं, मिला भी तो बड़ी मुश्किलों से मिलेगा, क्योंकि आज कंपटीशन रहेगा सारा दिन, बहुत ज़्यादा काम नहीं है ना इसलिए। तो सारी गाड़ी वाले भाई जो भी निकल के आता कमाने के लिए आता है, तो आज कॉम्पिटिशन सारा दिन चलने वाला है, बड़ी मुश्किलों से काम होगा, जितना भी होगा देखा जाएगा। बंसी वाले की नगरी में रहते हैं, बंसी वाला कृपा करेगा तो कुछ न कुछ हो ही जाएगा। शुरुआत तो हो ही गई है, पहली सवारी छोड़ दी है, अब वापस मथुरा जंक्शन जाएंगे, देखेंगे सारा दिन कैसा चलेगा। गाइस दोपहर हो चुका है, घर पे आ गया हूँ गाड़ी चला के, आज काम तो कुछ खास हुआ नहीं क्योंकि चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण की वजह से मंदिर बंद है भाई, तो बैठे बैठे पक गए थे, उसके बाद आ गए घर। और घर पे भाई आज चूल्हे की रोटियाँ खाने को मन कर रहा था, तो मैडम हमारी बनाने में लगी हुई है चूल्हे की रोटियाँ, किसी को खानी हो तो आ जाओ यार, गैस वाली रोटी आप कितनी भी खा लो उतना मज़ा नहीं आता जितना ये चूल्हे वाली में आता है। तो हमारे घर में भाई नीचे तो व्यवस्था है नहीं, पूरा घर पैक सा ही हो जाता है, लेकिन छत पे हमने चूल्हा बनवा रखा है, घर में भैंसें रहती हैं तो कंडे भी घर के हो जाते हैं, तो जब भी इच्छा होती है मैडम बना के दे देती हैं। आज मैडम दोपहर का खाना हमारा छत पर बन रहा है, आना लेते हैं, मुझे चूल्हे की रोटियाँ बहुत पसंद है यार, मज़ा आता है खाने में, और पूरी तरह से पकी हुई होती हैं, गैस की रोटियाँ गैस भी बनाती हैं। चलिए गरम गरम भोजन का मजा लेते। गाइस आज का चंद्र ग्रहण है, तो मुझे भाई काम मिल नहीं रहा था, मैं आ गया हूँ घर, और घर में आते ही गीता ने लड़ना शुरू कर दिया है मेरे से, और ये घूम रही है हमारी खुशी खुशी। अब तो सर्दी आ गई, पंखे का क्या हो रहा है बेटा, क्या कर रही है पंखे से, गर्मी लग रही है तुझे, हाँ तू पहले बता तू क्यों लड़ रही है मेरे से, बताओ भाई मैं कितनी मेहनत करता हूँ,
दिन भर काम करता हूँ फिर भी मैडम कहती है कि तुम तो सोते रहते हो, रात को 10 बज जाए, 11 बज जाए, 9 बज जाए, कोई पता नहीं। और इधर को देखिए, इधर को हमारी अंजलि पड़ी हुई है, घर में इतना सुस्ती सपाटा फैला रखा है इन लोगों ने। केवल हमारी खुशी एक्टिव रहती है ना, खुशी कुछ ना कुछ करती रहती है, हमारी एक्टिविटीज में मशहूर रहती है। ढोल बजा लो, नाच लो, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। ये और फौज आ गई, निकल गई आ गई। कब्बू कहाँ जा रही है, स्कूल? तेरा स्कूल आज भी खुला है? तू आके सुबह कुछ और सीखेगी। अब्बा डब्बा छब्बा होने की सलाह में है। इधर को टिल्लू भी है, टिल्लू क्या कर रही है? अच्छा है, स्कूल नहीं गई आज तू? आज छुट्टी है। अच्छा गाइस, हमारा मंकू कुछ कर रहा है, दिखाना मंकू क्या कर रहा है। ये देखिए गाइस, ये मंकू ने मोबाइल में एक ड्राइंग खोल रखी है और इसी को बनाने की कोशिश कर रहा है, दिखाना जरा। ये देखिए, दिखा तो सही। ये देखिए भाई, मुंह कैसा बना लेता है कुछ दिखाने को। गाइस आज ना मैंने दोपहर तक गाड़ी चलाई थी, लगभग 12 बजे के करीब मैं घर पहुंचा था। उसके बाद में भाई मैं निकल के नहीं आया क्योंकि चंद्रग्रहण होने वाला था। डर भर कुछ नहीं था, बस निकल के नहीं आया था। और अब शाम के टाइम में निकल के आया हूँ, अभी 7:45 बजे हुए। जैसे ही चंद्रग्रहण खत्म हुआ है ना, तो भाई साहब आंधी तूफान और बारिश का सब मौसम शुरू हो चुका है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी चल रही है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बस मामूली सी, बहुत ही हल्की हल्की है। लेकिन हवा जो है वो बहुत तेज चल रही है। आपको पीछे गाड़ी में चुन्नी सी लटकी हुई है, मेरे बालों से भी पता चल रहा है कि बहुत तेज़ हवा चल रही है। और बादल भाई गरज रहे हैं, तो लग रहा है कि रात में बारिश हो सकती है। आज निकल के तो ये सोच के आया था कि एक दो चक्कर लगाया होगा, कुछ मिल जाएगा तो, लेकिन यहाँ पे मौसम भाई डरा रहा है। ऐसा लग रहा है गलती कर दी आके, इससे अच्छा तो घर ही पड़ा रहता, वो अच्छा था। लेकिन लोगों के लिए आजकल भाई चंद्र ग्रहण हो या कोई सा भी ग्रहण हो, कमाने से ज़्यादा कोई काम नहीं होता। हालांकि मैं आज आया ही नहीं था, मैच वैच भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर ग्रहण की वजह से निकला ही नहीं। सोचा कि ग्रहण के बाद जाऊँगा, अब आके देखा तो मौसम बिगड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं कुछ मिलेगा ठीक, वरना टाइम पास हो जाएगा। घर में पक जाते हैं यार, बच्चों की शरारतें, उदम आपस में झगड़े। मेरा बेटा और बेटी अंजलि और मयंक में इतने ज़्यादा झगड़े होते हैं कि ज़्यादा देर घर में रुकना भी सजा से कम नहीं होता, इसलिए निकल आया था। अब देखते हैं, मित्रों से मिलवाते हैं आपको, क्या क्या कर रहे हैं वो लोग। ये देखिए गाइस, कुछ ऐसा मौसम है और बहुत तेज़ हवा चल रही है। आपको पेड़ हिलते हुए दिख रहे होंगे, नीचे देखिए कूड़ा करकट उड़ता हुआ दिख रहा है। हमारी गाड़ी पर जो माला पड़ी हुई है वो भी उड़ रही है। ये हमारे नेता जी तो चल दिए कहीं, और कुछ हमारे मित्र ये बैठे हैं। हेलो हेलो, आवाज सवारी आई। हेलो, कैसा काम चल रहा है? बढ़िया काम चल रहा था, सवारी आई थी, आप लेके आएंगे कब? मैं दोपहर को जल्दी घर आ गया था और उसके बाद ग्रहण की वजह से गया नहीं। शाम के टाइम में लगभग 7:15 बजे के करीब में, या उससे पहले आगे पीछे, पक्का टाइम मुझे याद नहीं है, गया था मैं। एक चक्कर लगा के आ गया वापस, लगभग 8:15 बजे के करीब मैं घर आ गया था और यहाँ पे खाना पीना खा के भाई सो गया। अभी नींद खुली और सोचा यार ब्लॉग तो एंड किया ही लिए, तो भाई साहब एक बार फिर से बैठा हुआ हूँ ब्लॉग एंड करने के लिए। और बैठा होकर देख रहा हूँ तो देखिए, हमारे मंकू डॉन भाई पढ़ाई करने में लगे हुए हैं। उधर गीता सो रही है, इधर को मैं सो गया था, और मंकू अकेला पढ़ने में लगा हुआ है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं मंकू पढ़ता नहीं है, ये सबूत है भाई। रात के अभी 11:30 बजे हुए और मंकू पढ़ने में लगा हुआ है। मैं एक नींद ले चुका हूँ और मेरी नींद खुल गई, अचानक से याद आया मेरे को, मैंने यार ब्लॉग एंड नहीं किया है। तो गाइस दोबारा से बैठा हुआ ब्लॉग एंड करने के लिए। यार थक तो जाते ही हैं भाई, लगातार काम करते रहते हैं, एक भी छुट्टी नहीं होती है। कितना भी आराम कर लो, दोपहर में आके जाएगा, जब तक एक पूरा दिन आप प्रॉपर तरीके से रेस्ट नहीं लेते हो, थकावट आपके शरीर में बनी रहती है और वो कभी भी हावी हो सकती है। तो वैसा ही आज मेरे साथ हुआ, दोपहर में भी काफ़ी लंबे समय तक पढ़ा रहा था और शाम को आते ही मेरे को नींद लग गई। अब नींद खुली है, ब्लॉग को कर देते हैं एंड, वरना दोबारा सो गए तो कल सुबह एंड करना पड़ेगा, रूल टूट जाएंगे भाई। जिस दिन का ब्लॉग है उसी दिन एंड होना चाहिए। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।